नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम का मुरब्बा, और ये मुरब्बा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे अच्छी बात है, इस मुरब्बे को बना करके आप साल भर तक के लिए रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। आप इसे रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ में खा सकते हो, ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हो। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है, और खास करके घर में बनी हुई चीज़ तो बहुत ही अच्छी होती है। और मैंने ये कच्चे आम के मुरब्बे को बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने ये कच्चे आम का मुरब्बा बनाया है। साल भर के लिए कच्चे आम का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम लिया हुआ है, और 1 कटोरी ही मैंने चीनी ली हुई है। अगर आम बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने बड़े वाले तरफ से कद्दूकस किया हुआ है, जिसे ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और चुटकी भर यहाँ पर नमक लिया हुआ है। अगर आपको नहीं पसंद है नमक डालना तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मीठी चीज़ में अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। 1 चम्मच देसी घी लिया हुआ है। हम पहले आम को भूनेंगे, तो उसके लिए मैंने देसी घी लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने केसर के धागे लिए हुए, ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हो, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है मुरब्बे में। तो चलिए शुरू करते हैं मुरब्बा बनाना। तो यहाँ पर मैंने मुरब्बा बनाने के लिए कढ़ाई रख दी है, और मैंने स्टील की कढ़ाई का यूज़ किया हुआ है। कोशिश करें कि अगर हम कोई खट्टी चीज़ बनाते हैं तो एल्युमिनियम के कढ़ाई का यूज़ ना करें। तो ये देखिए, मैंने देसी घी डाल दिया है और ये धीरे धीरे मेल्ट भी होने लगा है। तो अब मैं इसमें ये देखिए कद्दूकस किया हुआ आम भी डाल दूंगी, और लगातार चलाते हुए हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे ये होता है कि जितना मॉइस्चर होता है, अभी ये देखिए आम में हम कद्दूकस करते हैं तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो अभी गैस की आंच मैंने धीमी ही रखी हुई, लो से मीडियम हीट पर रखेंगे, क्योंकि हम अभी लगातार चला रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने कच्चे आम को 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया है, और इसका थोड़ा मॉइस्चर भी अब कम हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी, और चीनी डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना होगा, क्योंकि अभी चीनी मेल्ट होगी, ऐसा ना होगी नीचे चिपके। और स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ तो हमें ध्यान देना ही होता है। ये देखिए, गैस की आंच अभी धीमी ही रखी हुई है मैंने, धीमी आंच पे ही बनाना है हमें मुरब्बे को, गैस की आंच नहीं बढ़ानी है अभी बिल्कुल भी। तो ये देखिए, चीनी मेल्ट होने लगी है, कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा आया है। और केसर अगर डालते हैं तो उसका कलर और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये देखिए, चीनी मेल्ट होने लगी धीरे धीरे। तो जैसे ही पूरी तरह से चीनी मेल्ट हो जाएगी, बस हमें इसे लगातार चलाते हुए इसी तरह से पकाना है। तो अभी तो मैंने सिर्फ 1 कटोरी का बनाया है, तो लगभग 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएंगे, जब तक ये चीनी देखिए पूरी मेल्ट हो जाएगी। अभी ये गाढ़ी है और इसमें 1 तार की चाशनी जाएगी, तब तक हमें इसे पकाना है, तभी ये साल भर तक टिकता है मुरब्बा। तो ये देखिए, चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, और इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, जब तक इसमें पूरी 1 तार की चाशनी ना आ जाए तब तक हमें इसे पकाना होगा, और बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहना होगा, और गैस की आंच धीमी ही रखनी है। तो ये देखिए, कच्चे आम के मुरब्बे को पकते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो अब ये गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी थोड़ी देर इसे और पकाना है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी चुटकी भर नमक और केसर के धागे, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसी तरह से पकने देंगे, और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अभी इसमें चाशनी तैयार हो ही चुकी है, बस इसमें 1 तार की चाशनी बनना बाकी है, बस हमें तब तक ही पकाना है इसे। लगभग 5 मिनट ही बाकी है अब मुरब्बे को पकने में। तो ये देखिए, लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं हमारे कच्चे आम के मुरब्बे को पकते हुए, और ये लगभग तैयार ही हो चुका है। क्योंकि जब आपको लगे कि ये गाढ़ा होने लगा, और हमें चेक करते रहना है कि इसमें 1 तार की चाशनी बन रही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक प्लेट में निकाली थी चाशनी, और तब थोड़ी देर के लिए आप गैस भी ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि चाशनी वो कड़क हो जाए। तो यहाँ मैंने निकाल के रखा था, तो ये देखिए, तो आप देख सकते हो ये तार बनने लगा है, और मैंने गैस भी ऑफ कर दिया था, क्योंकि मुझे चेक करना, ऐसा ना हो कि गैस ऑन रहे और चाशनी कड़क हो जाए।
तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। ये भले अभी ये जैसे लग रहा है कि अभी ये पतला है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे कच्चे आम का मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम इसे एक कांच के एयरटाइट जार में रख देंगे। अभी तो ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, चाहे तो आप अभी भी इसे एक अलग बर्तन में निकाल के रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा है तो अभी मैं इसे एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कच्चे आम का मुरब्बा बनके तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा कच्चे आम का मुरब्बा बनाना कितना आसान है, और वो भी हम इसे साल भर तक बना करके रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरे कच्चे आम के मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।